हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है चहल द एक्सप्लोरर में। और सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा, अपने 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत सारे दोस्तों का सवाल भी आ रहा था, बोलते थे मेरे को कमेंट कर करके कि आप सब्सक्राइबर अनहाइड कर दें। तो आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको नीचे अपने सब्सक्राइबर नज़र आ रहे होंगे। और कुछ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ नए मोड्स का मैं प्लान कर रहा था, तो आइए चले पीछे दिखाता हूँ आपको गाड़ी में और फिर बात करते हैं इधर। तो देखिए अभी क्या प्लान किया है मैंने, थोड़ा सा कैंपिंग वैन टाइप बनाने की कोशिश करेंगे स्कॉर्पियो को। और उसके लिए सबसे पहले क्या है, अपना जो ये बॉक्स है बहुत भारी है, ठीक है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करके घर पे रखने से अच्छा मैं इसको सेल कर दूं, तो इसलिए मैंने ये ना सेल पे लगाए हैं। सब बुफर सेल करेंगे, अपनी ये जो मिड्स लगी हैं ये भी सेल करेंगे। और जो तो दोस्तों देखिए ये अपना सब बुफर है और बहुत ही हैवी बॉक्स के साथ बना हुआ है ये, और ये अपनी मिड्स लगी हुई है, ठीक है। बाकी आपको फोटो में नज़र भी आ जाएगा थोड़ा। जो एम्पलीफायर है, एक फोर चैनल है, एक मोनो है, सारा जो भी सामान है ये डेफ बोन्स का है, ठीक है। और बाकी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखी है, प्राइस कितने के हैं ये सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन में लिंक भी आ रहा है। और जिस भाई को परचेज करने हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, चहल अंडरस्कोर द एक्सप्लोरर। और अभी साथ में आपको हैंडल नज़र भी आ रहा है, तो मुझे वहाँ मैसेज करें अगर कोई ऑडियो लवर है। ये बहुत ही अच्छे हैं, 800 RMS ईच है, यानी कि 1600 RMS है। और जो एम्पलीफायर लगा हुआ अपना मोनो, वो भी डेप बोन्स का 1500.1D 1500 RMS का, वो इन दोनों को प्ले करता है। मैं फ़ोटो भी साथ साथ में शेयर कर दूंगा क्या क्या चीज़ लगी हुई है। एक फोर चैनल है 300.4D फोर चैनल लैंप है, उसकी भी RMS काफ़ी अच्छी है, 100+ ही देता है वो। और ये अपने 150 RMS ईच है, एक 150 RMS की मिड है। तो ये सारा सामान है। और जो भी भाई अगर पूरा सामान खरीदेगा एक, तो उसको मैं अपनी स्कॉर्पियो जो वायरिंग हुई है वो वायरिंग बिल्कुल फ्री दे दूंगा, वो 10,000 की है। बाकी सारे सामान का प्राइस जानने के लिए वो वीडियो देख लें, और फिर मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है भाई इंस्टाग्राम फॉलो कर सकता है, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकता है, तो वहाँ मैं उसको बता दूंगा कि कितने का सेल करना है। वैसे बता ही देता हूँ लमसम, अभी शायद एक एक चीज़ मैं नहीं बता पाऊँ, वीडियो में लंबी हो सकती है वीडियो, तो अप्रोक्सीमेटली मैं सोच रहा हूँ कि 75,000 में ये निकल जाए, ठीक है। बाकी आप मेरे को मैसेज करें, वहाँ डिस्कस कर लेंगे जैसा भी होगा। तो ये स्पेशली ऑडियो लवर के लिए है, SPL सेटअप है, काफ़ी लाउड है। जिसने नहीं सुना अपने चैनल पर जाके, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इवन पंजाबी सॉन्ग्स भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैंने पंजाबी सॉन्ग डाले हुए हैं, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं अपने ऑडियो सेटअप की लाउडनेस कितनी है, क्वालिटी कैसी है। काफ़ी अच्छा सेटअप है, आप जब वैसे प्रैक्टिकल अगर आके देखेंगे तब भी बहुत अच्छा आपको सुनने में मज़ा आएगा। और ये सारा जब अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो चंडीगढ़ में कोई ऑडियो लवर है तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद मेरा क्या प्लान है मैं बता दूँ आपको, ये रिमूव करके एक डिसेंट सा इसमें सेटअप करेंगे, और जो अपना दोबारा से सबवूफर लगाएंगे वो कोई छोटा साइज का, जो अपना कैंपिंग के दौरान दिक्कत ना करे, या फिर हम उसको एज यूटिलाइज कर सकें, यानी कि मान लो यहाँ तक का कोई छोटा सा लगा दिया जो एज ए टेबल भी अपने काम आ जाए, तो इस टाइप का प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी मैं बता दूँ आपको, जो अपने टायर हैं सबको पता ही है अपनी स्कॉर्पियो में ये थार वाले अलॉय लगे हैं, टायर लगे हैं 18 इंचज़ है, जिनकी वाल साइज़ बहुत बड़ी है। तो रिसेंटली अभी अपने एक दोस्त लेह लद्दाख गए थे, तो उन्होंने बताया कि जो स्टिफ टर्निंग है वहाँ पर ये दिक्कत कर रहे हैं, इवन जैसे गाड़ी में पीछे अगर लोड हो जाता है तो ये अंदर की जो स्कर्टिंग दी है इसमें प्लास्टिक पेंट हुआ, रबर पेंट हुआ हुआ, तो उसमें टकरा रहे हैं कहीं पर। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है, जैसे मैं राइट साइड टर्न करता हूँ, यू टर्न, तो अभी भी ये टकराते हैं। तो ऑफ रोडिंग में या फिर जैसे इतने स्टिफ टर्निंग पे हम जहाँ जाएंगे, लेह लद्दाख घूमेंगे, तो वहाँ पर अपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो मैं ये भी चेंज करवाने जा रहा हूँ। और अगर ये वीडियो कोई देख रहा हो जिसको किसी को ज़रूरत है थार अलॉय विद टायर, ठीक है, तो मैं ये भी सेल कर दूंगा। और अपनी गाड़ी मैं दिखा देता हूँ अभी कितनी चली है, तो ये टायर चले हैं लगभग 5,500 किलोमीटर, तो ब्रांड न्यू है, कुछ बिगड़ा नहीं है, इनका क्लोज लुक भी ले सकते हैं आप, तो ये ब्रांड न्यू है वैसे। तो ये चेंज करा के मैं 17 इंच में सोच रहा हूँ, या फिर
थोड़े से कंफर्टेबल हो टायर जो टकराए ना, यानी कि वाल साइज हम कम करवा दें, वो मैं चेंज करवाऊंगा। तो इनके लिए भी कोई भाई अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे, अगला टायर भी देख लीजिए आप, अगला टायर की कंडीशन भी देख लीजिए, ब्रांड न्यू कंडीशन में है अभी तक। और यहाँ पर मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि अपनी गाड़ी चली कितनी है। तो आइए एक बार अंदर आ जाइए। और दोस्तों देखिए अपनी गाड़ी चल चुकी है जी टोटल 5,990। ओके दोस्तों, चलिए गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं। ये सारा सेटअप चेंज करके दूसरा सेटअप करेंगे कोई, वो भी आपको शेयर कर दूंगा मैं वीडियो, और टायर भी चेंज करके दूसरे डलवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लोगों के साथ शेयर करेंगे। किसी को ज़रूरत है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। और आज की वीडियो में इतना ही था। अच्छा, एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने सपोर्टर्स को, लवर्स को, अपनी फैमिली को। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें और प्यार देते रहें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।